भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थान कानपुर के अंतर्गत कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र अयोध्या के द्वारा अपने क्षेत्र के किसानों को उनकी रुचि और पसंद के अनुसार व्यवसाय चुनने तथा उस व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उनकी हर संभव सहायता की जा रही है। ऐसे ही एक परंपरागत किसान हैं राजेंद्र प्रसाद वर्मा, जो ब्लॉक सुहावल के गांव मगलची के रहने वाले हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा इनके अपने गन्ने के खेतों को मिल को न बेचकर उसका जैविक गुड़ बनाने की सलाह दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र अयोध्या के बताए रास्ते पर चलते हुए अपने गन्ने के खेतों के पास ही इन्होंने जैविक गुड़ बनाने का उपक्रम चालू किया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा इनके यहाँ जाकर इनके जैविक गुड़ बनाने के तरीकों का नजदीक से मुआयना किया गया। राजेंद्र प्रसाद वर्मा अपने मन मुताबिक व्यवसाय को काफी रुचि के साथ करते हैं। इनके द्वारा बनाए गए जैविक गुड़ की मांग दूर दूर तक पहुंचने लगी है। वर्मा जी के द्वारा अपने इस जैविक गुड़ को एक एक किलो के पैक बनाकर उन्हें बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। हमने 2012 से जैविक खेती शुरू की है, उसमें मेरी मेन फसल जो है गन्ना है। और हमने इसके लिए जो है केवीके अयोध्या से संपर्क किया, उनसे जानकारी ली और सारी फसल मैं करता हूँ, लेकिन मेरी मेन फसल जो है वो गन्ना है। गन्ना मैं जैविक करता हूँ और जैविक गुड़ उसका बनाता हूँ। मिल को ना देके हमने गुड़ बनाने का फैसला किया और लोग गुड़ बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि रासायनिक और जैविक गुड़ का जो है स्वाद वो एकदम अलग है और स्वादवर्धक भी है, खाने में अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, तो इसलिए देश विदेश और मैं अच्छे रेट पे बेचता हूँ उसको। इनका माल हाथों हाथ बिक जाता है और वर्मा जी की अच्छी आमदनी हो जाती है। वो अपने इस उपक्रम से काफी खुश हैं।